वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आज आप लोगों को बताऊंगा गाइस, आप लोग रियलमी C53 फोन में गाइस आप लोग बैक बटन वगैरह को कैसे चेंज कर सकते हो गाइस, वही इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि गाइस सबसे पहले आप लोग देखो, ये है मेरा बैक बटन। दोस्तों अगर आप लोग ये जो बैक बटन है ये आप चेंज करेंगे इस तरह का लेके आना चाहते हो, जैसे आप लोग देख सकते हो ये सब आप लोग कर सकते हो। और गाइस अगर आप लोग यहाँ पे नेविगेशन बटन वगैरह लगाना चाहते हो तो गाइस वो भी लगा सकते हो। जैसे गाइस देख सकते हो मैं ऐसा करके बैक किया और देखो गाइस ऐसा करके आपको क्लोज करना होगा और ऐसा करके आपको बैक करना होगा। दोस्तों क्या आप लोग भी इस तरह का नेविगेशन बटन अगर आप लोग भी लगाना चाहते हो तो गाइस वही गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा गाइस, इस तरह का नेविगेशन बटन और गाइस आप लोग बैक बटन वगैरह को कैसे चेंज कर सकते हो गाइस, वही गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। सो दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो गाइस जल्द से लाइक करो और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब करो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम यूसुफ अली, आप देख रहे हो एचएम टेक्निकल, चले शुरू करते हैं। गाइस ये है मेरे पास रियलमी C53 फोन, जैसे कि गाइस आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। सो दोस्तों इसमें भी आपको सिंपल सा बैक बटन यहाँ पे चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कि गाइस आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो जो मेरा जो बैक बटन है, जैसे कि गाइस देख सकते हैं उल्टा है। तो दोस्तों इसका अगर आप लोग चेंज करना चाहते हो तो गाइस आप लोग ऑब्वियसली चेंज कर सकते हो। सो दोस्तों ये चेंज करने के लिए गाइस अभी आपको सिंपल सा क्या करना है गाइस, आपका जो फोन का सेटिंग्स है गाइस, आपका फोन का सेटिंग्स पे आपको सबसे पहले यहाँ पे चला जाना होगा। सो दोस्तों आपका जो फोन का सेटिंग है ये रहा आपका फोन का सेटिंग। सो दोस्तों यहाँ पे आपको चला जाना है। तो दोस्तों यहाँ पे आने के बाद आपका जो सेटिंग का इंटरफेस है कुछ इस प्रकार का यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे गाइस आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे आपको ऐसे स्क्रॉल डाउन करना है एकदम यहाँ पर लास्ट पे चलाना है गाइस। लास्ट पे चलाने के बाद गाइस यहाँ पे आपको एक ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे कि गाइस आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो सिस्टम नाम करके। सो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, सिस्टम यहाँ पे आपको कर देना है क्लिक। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे कि देख सकते हो ऐसे लैंग्वेज एंड इंपोर्ट गेस्टर्स, यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार का यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलेगा। सो दोस्तों अभी यहाँ पे क्या करना है ना गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है गाइस नेविगेशन बार करके। सो दोस्तों क्या करना है, सिंपल इस नेविगेशन बार यहाँ पे आपको कर देना है क्लिक। यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद गाइस देखो यहाँ पे गाइस बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको शुरू से समझाता हूँ ये जो ऑप्शन है गाइस क्या है। सो दोस्तों अगर आप लोग ये जो सेटिंग है ना, जैसे गाइस देख सकते हो नेविगेशन बार वाला जो सेटिंग है, अगर आप लोग ऑन कर दोगे तो गाइस यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो नीचे की तरफ एरो है, यहाँ पे अगर आप लोग क्लिक कर दोगे तो गाइस ये जो नेविगेशन बार वगैरह है गाइस यहाँ हाइड हो जाएगा। अगर आप लोग ऐसा करके तो गाइस यहाँ पे फिर से आ जाएगा। तो दोस्तों इसको मैं यहाँ पे नहीं समझाऊँ। तो दोस्तों ये जो बैक बटन वगैरह है इसको आप लोग चेंज करके यहाँ पे इस तरह से करना चाहते हो, जैसे आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे अगर आप लोग क्लिक कर देगा तो गाइस इस तरह का होगा, जैसे गाइस देख सकते हो आपका जो पहले का जो नेविगेशन बार है कुछ इस प्रकार का था, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पे क्लिक करते हो तो गाइस आपका जो नेविगेशन बार है कुछ अभी देख सकते हो यहाँ पे पूरा अभी यहाँ पे पूरा ठीक हो चुका है। और गाइस अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है तो गाइस देखो यहाँ पे भी एक ऑप्शन है। सो दोस्तों यहाँ से अगर आप लोग क्लिक करते हो तो देखो गाइस यहाँ पे ऊपर से ऐसा ये आ जाता है, जैसे गाइस अगर आप लोग यहाँ पे क्लिक करते हो तो गाइस देखो क्या आता है, जैसे गाइस आप लोग यहाँ पर देखिए बार। सो दोस्तों अगर आप लोगों को ये पसंद नहीं आता तो, और गाइस अगर आप लोग ये सब लेके आने के बाद ये यहाँ पे लेके आओगे ना तो गाइस यहाँ से ये सब भी यहाँ पे हाइड कर पाएंगे। उसके बाद गाइस ये यहाँ पे सॉरी दोस्तों, उसके बाद गाइस ये अगर आप लोगों को पसंद नहीं आता तो गाइस ये भी आप लोग यहाँ पे लगा सकते हो। दोस्तों मैं आप लोगों को उम्मीद करूँगा गाइस यही लगाओ, क्योंकि यही सबसे बेस्ट तरीका यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि यही जो ये जो बैक बटन है ना यही सबसे राइट तरीका है, जैसे देख सकते हो यहाँ से आप लोग बैक कर सकते हो, कितना सिंपल सा ईजी सा है। सो दोस्तों अभी आपको यहाँ पे उस तरह का ऐसा करके जो बैक बटन है ये लेके आने के लिए गाइस क्या करना होगा, सिंपल सा गेस्ट स्टार ऑप्शन यहाँ पे चला जाना होगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो सिस्टम नेविगेशन करके एक ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। दोस्तों यहाँ पे आपको सिस्टम नेविगेशन जो है सिंपल से यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो थ्री बटन नेविगेशन जो गाइस यहाँ पे कुछ इस प्रकार का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपल सा इस गेस्ट स्टार नेविगेशन जो गाइस यहाँ पे अगर आप लोग जैसे क्लिक कर दोगे तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे आपको बैक बटन वगैरह जो यहाँ पे हाइड हो चुका है, जैसे गाइस देख सकते हो। अभी अगर आपको कुछ भी चीज़ यहाँ पे क्लोज करना है तो गाइस ऐसा करके करना होगा, और गाइस अगर आपको कुछ भी चीज़ अभी आपको बैक करना है ना तो गाइस आपको यहाँ पे कैसा करके बैक करना होगा आपको पता है, आपको साइड से ऐसा करना होगा तो गाइस बैक होगा। और गाइस अगर आपको रिसेंट लेके आना है तो गाइस इस तरह से आप लोग यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे रिसेंट लेके आ सकते हो, जैसे गाइस यहाँ पे अगर आप लोग ऐसा करोगे तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे रिसेंट वगैरह सब कुछ आ जाएगा। तो गाइस कुछ इस तरह से आप लोग भी गाइस रियलमी C53 फोन में गाइस बैक बटन, नेविगेशन बटन, सिस्टम नेविगेशन बटन कुछ इस तरह के गाइस चेंज कर सकते हो। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो, अगर हेल्पफुल हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करो और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब करो। और गाइस अगर आपको रियलमी C53 रिलेटेड और भी कुछ वीडियो चाहिए तो गाइस आप लोग मुझे कमेंट करो, उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा। सो दोस्तों आज के लिए इतना था, तब तक के लिए जय हिंद।